हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना केक बनाना आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते होंगे या फिर आप भी खाते होंगे तो क्या आपने सुना है कि बनाना केक क्यों ना बना करके खाया जाए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आने वाला आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें बहुत ही सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है तो फटाफट से रेसिपी शुरू करते यहाँ पे मैंने लिए हैं थ्री बनाना बनाना को हम छील लेंगे मैंने उल्टी तरफ से इसको छीला है और मैं ये मिक्सी के जार में कट कर रही हूँ उल्टे तरफ से मैंने क्यों छीला है क्योंकि इसमें जो धागे से होते हैं ना उल्टी तरफ से छीलने से वो छिलके में ही निकल जाते हैं वो केले पर चिपके हुए नहीं रहते हैं तो मैंने इसको कट कर लिया है अब हम ऐड करेंगे इसमें मैदा। तो मैंने एक कप मैदा का यूज़ किया है साथ ही साथ मैं दूध ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे आधा कप मैंने दूध ऐड कर दिया है दो बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं याद रहे सरसों ऑयल का यूज़ ना करें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे तो मैंने आधा कप शुगर पाउडर ऐड करके इसको मिक्सी कर लिया है तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार है इसका तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में तो बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही यहाँ पे चॉकलेट पाउडर ताकि बच्चे इसको खुश होकर के खाएँ एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए चॉकलेट का भी बनाना का भी तो अब हम तैयार कर लेते हैं पतीला पतीला तैयार करेंगे केक को बेक करने के लिए तो मैंने इसमें डाला है नमक नमक डाल करके गैस एकदम फुल कर देंगे अच्छे से प्री हीट कर लेंगे और हम जिस केक केक को बेक करेंगे जिस पैन में तो हम केक पैन को भी अच्छे से और देसी घी से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है साथ में डस्ट भी कर लिया है मैदा से तो जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल देंगे तो मैंने मैदा को निकाल दिया है अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें इनो इनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाती है तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्टिवेट हो गया और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है केक पैन में तो केक टिन में मैंने ट्रांसफ़र करने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर दिया है ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं ना टैप करने से वो निकल जाते हैं और केक अच्छा बनता है यहाँ पे एक जाली स्टैंड लगाया है जाली स्टैंड लगाने के बाद केक टिन को मैंने सेट कर दिया है तो बी केयरफुल होकर के सेट करें ताकि हाथ ना जले और प्लेट से इसको कवर कर देंगे दस मिनट बाद चेक करेंगे तो दस मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं कि कैसा हमारा केक बन कर के तैयार हो रहा है वैसे ये पैंतालीस मिनट में बेक होकर के तैयार होगा तो ये देखिए पहले से काफ़ी फ्लपी हो गया है पहले से जो केक टीन है हमारा काफ़ी भर चुका है तो फिर से हम इसको पच्चीस मिनट के लिए कवर कर देंगे पच्चीस मिनट हो गए हैं और अब चेक कर लेते हैं नाइफ से तो ये देखिए नाइफ पर बिल्कुल भी चिपक के नहीं आ रहा है ना तो समझिए कि आपका केक तैयार है तो गैस ऑफ कर देंगे और केक को निकाल लेंगे केक टीन को हम ठंडा होने देंगे अच्छे से जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी प्लेट में या किसी टर्न टेबल पे तो मैंने इसको पहले नाइफ से साइड से किया है ताकि ये अच्छे से इजीली निकल जाए और हाथ से टैप करेंगे इस तरीके से ताकि आराम से निकल जाए तो ये देखिए वाह कितना स्पंजी केक बन के तैयार है तो अब मैं क्या करने वाली हूँ इसका इसको मैं बहुत ज़्यादा इस पर ना कोई क्रीम का यूज़ कर रही हूँ ना किसी और का सामान का तो मैंने यहाँ पे एक बिस्किट का पाउडर बनाया है फाइन पाउडर मिक्सी में और उससे मैं इसको डस्ट कर रही हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे और बच्चे खुश होकर के खाएँ थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दूंगी तो यहाँ पे मैंने काजू का यूज़ किया है और थोड़ा सा बनाना का पीस क्योंकि हम जब बनाना केक बना रहे हैं तो क्यों ना बनाना से भी इसकी गार्निशिंग की जाए तो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है ना तो ये खाने में भी अच्छा है फ्रेंड्स और टेस्ट बहुत अच्छा है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है तो आप भी बनाइए खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर शेयर कीजिए अगर इस रेसिपी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर देने की तो तब तक के लिए आप देखते रहिए रेनूज किचन एक बार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय बाय